सेंटिमेंट जो है बाजार का, इस पूरे हफ्ते हमने देखा काफी ज्यादा इवेंट स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहा। इवेंट था, ट्रिगर्स जो कि रिजल्ट स्पेसिफिक थे, जैसे हमने देखा आईटी सेक्टर के नतीजों के आने के बाद सरप्राइजिंगली सेक्टर ने एक अप मूव दिखाया है। विनीत, इस वक्त बाजार के अंडरटोन को आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। बाजार का अंडरटोन बहुत पॉजिटिव है। एंड अगर आप निफ्टी की अर्निंग्स देखेंगे तो FY25 के अर्निंग्स 18 टाइम्स अवेलेबल है आपके लिए, तो काफी सस्ता है। लॉन्ग टर्म एवरेज 17 टाइम्स है, 18 19 टाइम्स आपको निफ्टी मिल रहा है, तो इसको तो जरूरी लेना चाहिए। एंड अगर आप इसके थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे स्टॉक्स में, यू नो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रेशोज, तो पी की जगह अगर हम पेग रेशो लेते हैं, तो मैंने थोड़ी लिस्ट निकाली थी। टॉप फोकस में स्टॉक्स है जैसे HDFC बैंक, ICICI, SBI, भारती, मारुति, एक्सिस, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स है ना अंडर 1 टाइम पेग रेशो है। तो हालांकि ये दे आर ऑल एक्सट्रीमली बाय, और अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स छोड़ दोगे टॉप के, जो HDFC और ICICI है, सारे जो मैंने आपको नाम गिना है ये सारे अंडर वैल्यूड है। तो हमें लगता है कि ये सारे स्टॉक्स में काफी अच्छी ग्रोथ आएगी, और इनके आप आरओईज देखेंगे तो सब 15% के ऊपर है। तो दे आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी फॉर शेयर होल्डर्स अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनके, और इतने सस्ते होने के कारण हमें लगता है कि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो ये सारे स्टॉक्स रिबाउंड करेंगे, एंड वी विल सी द मार्केट स्केल न्यू हाईज। आई एक्सपेक्ट निफ्टी टू टच 20,000 वेरी सून।